अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप का प्रमोशन किया तो इसमें क्या गलत किया, उन्होंने अपने देश के एक हिस्सा में किया। किस तरह से एक देश के राष्ट्राध्यक्ष जो पूरी दुनिया को एक दिशा दे रहे हैं उनके बारे में ऐसी अनर्गल बात उन्होंने कही, उस बात को सुनकर लगकर दिल को बहुत ठेस पहुंची। जो इस पर कुछ जो तथ्य बात उन्होंने कहा मोदी जी के बारे में, ये बात अच्छा नहीं है। बहुत ही दुख की बात है कि मालदीव जैसा देश जो पूरा पर्यटन में डिपेंड करता है और भारत के सबसे ज़्यादा पर्यटक वहाँ जाते हैं, उनके तीन मंत्री भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का मजाक बनाते हैं, वो भी उस बात पर कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने देश का एक हिस्सा में गए। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप का प्रमोशन किया तो इसमें क्या गलत किया, उन्होंने अपने देश का एक हिस्सा में किया। और आपको याद होगा पिछला एक साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक आह्वान किया था देश के लोगों से कि देखो अपना देश, आप दुनिया घूमने से पहले भारत की विभिन्न प्रांतों में जाइए, भारत के प्रांतों में जो है वो दुनिया के किसी भी भाग में नहीं है। तो उसी देखो अपना देश के तहत प्रधानमंत्री जी ने अगर लक्षद्वीप का दौरा किया और उसका प्रमोशन किया, उसमें कोई गलती नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से न सिर्फ उनका खंडन करता हूँ तीन मंत्रियों का स्टेटमेंट का, साथ ही साथ मैं आह्वान करता हूँ देश के हर एक पर्यटक से, हर एक नागरिक से कि आप देखो अपना देश के तहत देश के कोने कोने घूमिए, जिसमें अंडमान निकोबार को अपना प्रायोरिटी में रखिए, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। हम लोगों ने भी एक मुहिम चलाया #explore_andaman_islands, उसमें हम आपका भी सहयोग चाहेंगे। और हम लक्षद्वीप तो आप जाइए, मगर हम आपसे ज़रूर आग्रह करेंगे कि आप अंडमान आइए। अंडमान को आज के डेट में ज्वेल्स ऑफ द सी कहा जाता है, एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब कहा जाता है। बड़ी प्राउड की बात है कि हम आज एडवेंचर स्पोर्ट्स में लीड कर रहे हैं पूरा देश में। हिस्टोरिकल प्लेसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तीर्थ स्थल है सल्लर जेल जहाँ हम खड़े हैं। तो हम आपके माध्यम से उन तीनों मंत्रियों का, माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो भी शब्द उन्होंने कहा है उसका गौर खंडन करते हुए तमाम देशवासियों से, तमाम नागरिक से गुजारिश करते हैं कि आप प्रधानमंत्री जी के आह्वान को, उनका आह्वान को फॉलो करें और देखो अपना देश के तहत। किसी भी जगह आपको घूमना है तो आप देश में घूमिए, आपको देश में मालदीव, बाली, इंडोनेशिया से अच्छी अच्छी जगह मिलेगी और उससे सुंदर जगह मिलेगी। पढ़ा, मुझे पढ़कर बहुत बुरा लगा कि किस तरह से एक देश के राष्ट्राध्यक्ष जो पूरी दुनिया को एक दिशा दे रहे हैं उनके बारे में ऐसी अनर्गल बात उन्होंने कही, उस बात को सुनकर लगकर दिल को बहुत ठेस पहुंची। मैं मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य होने के नाते इसकी घोर कटु शब्दों में आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं और देशवासियों से निवेदन करता हूं कि इस पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराएं। माननीय नरेंद्र जी मोदी जो पूरी दुनिया को एक दिशा दे रहे हैं उनके बारे में ऐसी अनर्गल टिप्पणी उन्होंने की है, और इंडिया पूरी दुनिया को दिशा देने वाला है, मालदीव उसके सामने क्या है। अभी माननीय मोदी जी ने लक्षद्वीप का दौरा किया, ये भी इतिहास है। लक्षद्वीप छोटा सा आइलैंड्स है, कुछ आइलैंड्स अगल बगल में है, लेकिन मालदीव से थोड़ा बहुत दूर भी है। उस द्वीप में कांग्रेस जमाने में पीएम शहीद साहब हुआ के एमपी थे, स्पीकर भी थे। उस धरती में कोई खास विकास नहीं हुआ था, शायद कोई कांग्रेस का पीएम धरती में गया नहीं। माननीय मोदी जी धरती में गए, पूरा द्वीप को देखा। अगला हमारा लक्षद्वीप दुनिया का टूरिज्म का डेस्टिनेशन में, सुरक्षा के हाथ में, फिशरीज में एक बड़ा डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी उनको दिखाई दिया, उस काम के लिए गए। हमारा पड़ोसी देश लक्षद्वीप का बगल मालदीव, जो इस पर कुछ जो तथ्य बात उन्होंने कहा मोदी जी के बारे में, ये बात अच्छा नहीं है। उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति ने मालदीव का तीन मंत्री को सस्पेंड भी कर दिया। मैं अनुरोध करूंगा मालदीव भाइयों को, आज जो सारा देश के हिंदुस्तान के लोग, फिल्म स्टार, क्रिकेट प्लेयर, बाकी देशभक्त लोग, सारा मीडिया में आपका बारे में अच्छा ओपिनियन नहीं कर रहा है। आपका टूरिज्म खत्म करने के लिए टिकट कैंसिल, होटल कैंसिल कर रहे हैं। कितना बड़ा डैमेज आपने किया एक शब्दों को करते हुए। मैं अनुरोध करूंगा मालदीव हमारा पड़ोसी है, मोदी का मित्र देश है, भारत का मित्र देश है,
ऐसे शब्दों को जो क्वाइंट जिन्होंने कहा उसका परिणाम देख लिया। मैं भी अंडमान निकोबार का तीसरे बार का सांसद इसका विरोध प्रकाश करता हूँ, और अगला अंडमान निकोबार का दूर में लक्षद्वीप को ऐसे धरती बनेगा, ये मालदीव का लोग भी आएगा, विदेश का लोग भी आएगा, ऐसा मोदी जी बनाएंगे। जय हिंद।